नमस्कार, हूँ आदर्श छु। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। कक्षा 10, विषय हिंदी, पाठ 3, सवैये। काव्य का प्रकार है मुक्तक, कवि है रसखान। जन्म सन 1548 ईस्वी, निधन सन 1628 ईस्वी। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण करके उन्होंने अर्थात प्राप्त करके ग्रहण करना यानी प्राप्त कर ब्रज में रहकर श्री कृष्ण भक्ति के पद लिखे। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय, सराहनीय मतलब सराहना करने योग्य है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, व्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। त्रिवेणी मतलब तीन चीज़ों को जब एक साथ मिलती है तो उसे त्रिवेणी कहा जाता है। व्रज भाषा का जैसे सरल तरल, सरस स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, अर्थात एक मुसलमान होकर उन्होंने हरि भक्ति अर्थात श्री कृष्ण के प्रति इतनी ज़्यादा भक्ति, अनन्य भक्ति, उनका जो प्रेम बताया है उस पर करोड़ों हिंदू वारी जाए। सुजान रसखान प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ रसखान के 4 सवैये लिए गए हैं। इनके सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति, अनुरक्ति मतलब प्रेम एवं समर्पण, समर्पण यानी संपूर्ण त्याग की भावना सजीव हुई है। सजीव मतलब जीवित दिखाई देती है। श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। मनोहर यानी मन को हरने वाला मनोहर वर्णन किया गया है। इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चराना, धेनु यानी गायों को चराना, वेणु बजाना यानी मुरली को बजाना, प्रेम रंग में रंगना अर्थात प्रेम में पूरी तरह से डूब जाना, और भगिमाओं के साथ अर्थात उनकी भाव भगिमा मतलब मुखाकृति, उनके पहनावों के साथ की माधुर्यपूर्ण यानी बहुत ही ज़्यादा मधुरता से उसका चित्रण किया गया है, चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य, सामीप्य यानी पास के लिए कवि लकुटी लेकर ग्वालों के संग फिरने की बात करते हैं। शिक्षक छात्रों को बताएं कि एक मुसलमान कवि होते हुए भी रसखान कृष्ण भक्ति में लीन थे। यहाँ पर रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति अपना अद्भुत प्रेम, अपार श्रद्धा भावना व्यक्त की है। यहाँ रसखान के जो सवैये हैं उसमें स्पष्ट रूप से साफ दिखाई देता है कि वह कृष्ण के कितने बड़े भक्त थे। श्री कृष्ण की लीला भूमि में जुड़ी हुई इस सवैयों में क्या बताना चाहते हैं, श्री कृष्ण की भूमि अर्थात जो लीला भूमि जहाँ पर उन्होंने अनेक प्रकार की बाल लीलाएं की थी, उन लीला भूमि की एक एक छोटी से छोटी वस्तु के पास वो रहना चाहते हैं। श्री कृष्ण के पास में रहने के लिए वह हर एक प्रकार का अपना सुख है उसको त्यागने के लिए तत्पर है, मतलब तैयार है कि वो जितने सुख से प्राप्त है वो सारे के सारे सुख वह त्याग देंगे यदि उन्हें श्री कृष्ण का साथ मिले तो। वे व्रज में श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के अर्थात श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने जितनी लीलाएं की है उस लीलाओं के इतने ज़्यादा वह प्रभावित हो गए हैं, वह श्री कृष्ण के प्रति
गोपियों के निश्चल प्रेम और पवित्र की भावना का, यहाँ पर उन्होंने गोपियों के पवित्र प्रेम का वर्णन किया है और वह हर एक प्रकार से श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। किस तरह गोपियों की तरह वो स्वांग भरना चाहते हैं परंतु एक स्वांग को छोड़कर। तो आइए बच्चों, हम इस कविता के शब्दार्थ और उसके भावार्थ देखेंगे। आइए बच्चों, इसके शब्दार्थ और इसका भावार्थ देखेंगे। मानुष हो तो वही रस खान, बसों मिली गोकुल गाम के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हों तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारन। जो खग हों तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदंब की डारन। यहाँ पर इस बच्चों इसके शब्दार्थ देखते हैं। मानुष यानि मनुष्य, हो यानि बनना या होना, बसो यानि बसना, मिली यानि मिलना, ग्वारन यानि ग्वाले, जो पशु, पशु यानि पशु जानवर, बस यानि वश में, मेरो यानि मेरा, चरो चरो यानि चरना, नित नित यानि रोज हमेशा, धेनु धेनु यानि गाय, मंझारन मंझारन यानि के बीच में झुंड में, पाहन पाहन यानि पत्थर, हों यानि होना बनना, वही मतलब वही, गिरी गिरी मतलब पहाड़ पर्वत, धरियो धरियो यानि धरना, कर कर यानि हाथ, छत्र यानि छत्र की तरह, पुरंदर पुरंदर यानि इंद्र, कारण कारण यानि कारण, जो खग खग यानि पक्षी, बसेरो बसेरो यानि रात बिताना, करो यानि करना, मिली यानि मिलना, कालिंदी कूल कालिंदी यानि यमुना नदी, कूल यानि किनारा, कदंब की डारन कदंब की डारन यानि कदंब की डाल। अब हम भावार्थ देखेंगे। रसखान जी को श्री कृष्ण के से बहुत ज़्यादा लगाव था, अपार श्रद्धा थी और उनकी व्रजभूमि अर्थात उनकी जन्मभूमि से भी बहुत ही ज़्यादा लगाव था। यहाँ इस सवैये में क्या कहते हैं कि यदि मुझे अगला जन्म मिले और मेरी इच्छा है कि यदि मुझे धरती पर जन्म मिले तो मैं उसी धरती पर उसी जगह पर जन्म लेना चाहूँगा जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। वे कहते हैं कि यदि उसे या उन्हें मनुष्य का जन्म मिला तो सचमुच उनके लिए यह सौभाग्य की बात होगी और जब उन्हें मनुष्य का जन्म मिलेगा तो वह गोकुल में ही जन्म लेने चाहेंगे और वहाँ पर गांवों में जो ग्वाले हैं उनके साथ मिलकर वहीं पर निवास करेंगे। वे कहते हैं कि यदि पशु यदि मुझे पशु की योनि में जन्म मिला तो मेरा कोई वश नहीं होगा, परंतु उस जन्म में भी मैं यह चाहूँगा कि मैं केवल रोज प्रतिदिन नंद की गायों के बीच में मुझे चरने का मौका मिले। यदि मैं पत्थर बनता हूँ यदि मैं पत्थर बनता हूँ तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जो पुरंदर अर्थात इंद्र के कोप के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से छत्र के रूप में उन्हें धारण किया था। और यदि वह पक्षी बनना यदि वह पक्षी बने तो वह चाहते हैं कि वह उन सब पक्षियों के साथ जो गोकुल के पक्षी हैं उन सब पक्षियों के साथ यमुना नदी के किनारे जो कदंब का पेड़ है उस कदंब के पेड़ की डाली में अपना बसेरा अर्थात वहाँ पर बसना चाहेंगे। बच्चों,
अब दूसरा सवैया देखेंगे, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारो, आठहू सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराय बिसारो, रसखान कबो इन अखियन सो, व्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि कहू कल धोत के धाम, करील के कुंज कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर बच्चों हम इसके शब्दार्थ देंगे, देखेंगे लकुटी, लकुटी यानि छोटी लकड़ी, अरु यानि और, कामरिया, कामरिया यानि छोटा कंबल, कामली, राज यानि राज्य, तिहू, तिहू का अर्थ होता है तिहुपुर, तिहुपुर यानि तीनों लोक, तजी यानि छोड़ना, और डार यानि दो, आठहू यानि आठ, सिद्धि नवो यानि नव, निधि को सुख, धेनु यानि गाय, बिसारो यानि भूल जाना, कबो यानि कभी, अखियन यानि आँखें, ब्रज, ब्रज यानि व्रज में, वन यानि जंगल, बाग यानि बगीचा, तड़ाग यानि सरोवर, निहारो यानि निहारना, कोटि कहू यानि करोड़ों, कल धौत के धाम यानि सोने का महल, करील, करील यानि शुष्क प्रदेश में उगने वाला एक कटीला पौधा जिसमें पत्ते वगैरह कुछ नहीं होते हैं, के कुंजन ऊपर वारों, वारों यानि वार देना, और कुंजन यानि झाड़ियाँ। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। कवि इस सवैये में कहते हैं, यदि मुझे श्री कृष्ण की वह लाठी और वह कंबल मिल जाए तो उन्हें लेकर मैं श्री कृष्ण की तरह गाय चराने जाया करूँगा, और यदि इसके लिए मुझे तीनों राज्य आकाश पाताल और मृत्युलोक का त्याग करना पड़े तो मैं उस राज्य को भी त्याग कर डालूँगा। वह कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को चराने का सुख प्राप्त हो, यदि मुझे नंद की गायों को चराने का सौभाग्य मिले तो इसके बदले में या इसके उसमें मैं आठों सिद्धियां और नौ निधियों का त्याग कर दूंगा, जो जिससे सुख प्राप्त होता है, ऐसे सुख को भी मैं भूलने के लिए तैयार हूँ। रसखान जी और क्या कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आँखों से व्रज के दर्शन करने का अवसर प्राप्त मिले तो मैं व्रज के वन को, बाग बगीचे को और सरोवर को देखना चाहूँगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर लीला करते थे, और यदि उस बाग बगीचों को देखने के लिए मैं वहाँ पर एक कटीला वृक्ष बनकर भी रहना मुझे मंजूर है, इसके लिए मैं करोड़ों सोने के महल का त्याग करना उचित समझता हूँ या मैं त्याग कर डालूँगा। तीसरे और चौथे सवैये का शब्दार्थ सहित भावार्थ और अभ्यास हम पार्ट टू में देखेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।